अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है हम सब लोग के? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों का वेलकम हो गया एक नए व्लॉग में, वो भी मेरे साथ। तो आज ना हमारे घर बड़ा गंद पड़ा हुआ था, ईद का तीसरा दिन था ना, तो जो मेड हमारे घर काम करने आती है ना, तो उसने तो आज छुट्टी करनी थी। मामा ने ना कॉल करके उसे बुला लिया कि किसी और दिन छुट्टी कर लेना, तो आज आ जाओ आप। मैं ना जब सुबह उठी तो मेरे पापा और ये भाई लगे हुए थे, मामा भी लगी हुई थी साथ गंदम डालने ना, तो गंदम वाला जो ड्रम है हमारे पास उसको हमने ना धूप लगवानी थी, तो ऐसे नहीं तो खराब हो जाती है अगर ऐसे डाल दें। तो वही मेरा भाई ना अंदर जाके ना ड्रम के तो सारी सफाई कर रहा था। मैंने कहा तुम्हारी वीडियो बनानी चाहिए थी, मुझे व्लॉग में दिखाती सबको, सबने ना हंस हंस के पागल हो जाना था। खैर वही मेरे पापा और मेरे भाई लगे हुए थे सारी सफाई वगैरह करने ना, मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी ये वाले सारे सीन जो है वो शेयर कर दूं। असल में ना लास्ट व्लॉग में मैंने आप सबको दिखाया था कि मेरे जो खाला के बेटे हैं वो आए हुए हैं। मामा ने कहा चलो आए हुए हैं सारे कजन इकट्ठे हुए हैं तो इनसे ना गंदम डलवा लेते हैं। तो वही पापा ना धूप लगवा रहे थे ड्रम को, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। रात को इतनी लेट आया था ना, ये सोया हुआ है अभी यहाँ पे। हर भी लोग देख के ये मेरी ऐसी की तैसी ना कर दे। सफाइयाँ वगैरह तो सारी हो गई हैं, तो मैंने कहा मैं आप सबको भी दिखा दूँ। ये जो है ये मामा पापा का बेडरूम है, ठीक है। जो साथ वाला रूम है ना वो हम सारे बच्चों का है, हम वहाँ पे सोते हैं। अच्छा लास्ट व्लॉग में ना आप सबने देखा होगा हमारे घर ना हमारी मामी आई, तो उनका छोटा बेटा जो है वो इतना रो रहा था फिर मामी ने कहा कि ये मुझे कोई दुपट्टा दो, मैंने झूला बांधना है, तो वही इसके लिए बांधा हुआ था। हम सब ना बड़ा मिस कर रहे हैं। और उनकी छोटी बेटी भी है, वो भी बड़ा प्यारा बोलती है। मैं ऊपर ना लिंक शेयर कर देती हूँ आपके साथ, तो आप वहाँ पे जाके मेरा लास्ट व्लॉग जो है वो देख लीजिएगा। खैर मैंने कहा मैं आप सबको ना दूसरा रूम भी दिखा दूँ। यहाँ पे जो है वो हम सारे बच्चे रहते हैं, ज्यादातर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। रात को भी यहाँ पे सोते हैं, दूसरे रूम में ना कम भी जाते हैं हम। ये ना आजकल छोटी सिस्टर है मेरी, 9th क्लास में पढ़ती है, उसके पेपर हो रहे हैं, तो वही सारे बेड पे कब्जा करके बैठी हुई है, बुक्स रखी हुई है सारे बेड पे। अच्छा ये वाली जो चारपाई है ना काफी बड़ी है, यहाँ पे ना दो लोग सो सकते हैं, तो मैं और मेरी जो ट्विन सिस्टर है ना वो यहाँ पे सोते हैं। ये ना तकरीबन मैं असर के टाइम ऊपर आई हूँ। हमारे ना हम साए लगते हैं, गली में रहते हैं, उनके ना घर काफी नीचे हो गया था, उन्होंने ऊंचा करना था, तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन जो है वो खाली है सारा। चाचू लोग रहते थे पहले, लेकिन वो अपना यहाँ से चले गए हैं, तो हमारी पेटियां ही बस पड़ी हुई थी ऊपर। ये मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ ही ऊपर आ गया, तो उन्होंने ना सारा घर ना मतलब ऊंचा करना था सारा, तो फिर उन्होंने हमें कहा कि हमें ऊपर वाला जो पोर्शन है वो 10 दिन के लिए दे दें, तो वही हम सफाई वगैरह करने आए हैं। तो पहले मैं आप सबको दिखा दूँ, छत काफी देर से ना बंद पड़ी है, तो ऐसी तो हालत होनी थी, फिर पेंट वगैरह भी होने वाला पड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी करवा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी आप सब लोग देख ही सकते हैं कि वॉशरूम की हालत क्या हुई पड़ी है, सारी मट्टी पड़ी है, किसी ने यूज ही नहीं किया। हम बहुत कम ऊपर आते हैं, बहुत ज्यादा कम, जब कहीं मौसम अच्छा होना तो हम ऊपर आ जाते हैं एंजॉय वगैरह करने के लिए। अच्छा हालांकि मैं और मेरी जो ट्विन सिस्टर है ना उन्होंने ये साफ भी किया था, सारी छत साफ की थी, तो इतनी जल्दी मट्टी आ जाती है ना पता ही नहीं चलता। ये ना दरवाजा ऊपर का लॉक हो गया है, इसकी चाबी हमने पता नहीं कहाँ पे रख दी है, मिल ही नहीं रही, तो वही पापा देख रहे थे इसे अब कैसे खोलने। देखते हैं अगर चाबी मिल जाती है तो खुल जाएगा, वरना तोड़ना ही पड़ेगा। ये जो जा रही है ना ये मेरी दूसरी ट्विन सिस्टर है, नीचे को भाग रही है ये, इसको ये जो मेरा भाई है ना इसको काम करने का बड़ा शौक, काम जितना मर्जी करवा ले इससे, जब पढ़ने की बारी आनी है तब मैंने वॉशरूम जाना है, खाना खाना है, भूख लगी है, ये वो। अच्छा मैं ना आप सबको ऊपर वाली छत भी दिखा देती हूँ, इतनी तो दिखा दी है, ऊपर से भी दिखा देती। मैंने ना इसे कहा अब्दुलमान जाओ पहले जाकर ना दरवाजा खोलो फिर मैंने आना है। असल में ना ऊपर इतनी ज्यादा छिपकलियां होती हैं ना, मुझे इतना डर लगता है ना उनसे, इतना हम डरते हैं ना हमारे ऊपर इतना चढ़ती हैं। मैं और मेरी जो ट्विन सिस्टर है ना हम दोनों ही बहुत डरते हैं छिपकलियों से, तो काफी बार ना हमारे साथ हादसा हो गया है, हमारे ऊपर गिरती रहती हैं। तो फारिग वक्त मैं बताऊंगी कभी मैं स्टोरी सारी। खैर ये ना रात का टाइम हो गया था, ईशा की नमाज का टाइम, तो रोटियां बनानी थी, मामा कह रही थी तुम रोटियां बना लो, वही मैं रोटियां बना रही हूँ अभी। अच्छा मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि तुम कुकिंग तो करती हो लेकिन तुमने ना कभी हमें रोटी नहीं बना के दिखाई, तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ, मैंने कहा दिखा देती हूँ सब लोगों को कि मैं रोटी अभी बना लेती हूँ। अच्छा वीडियो कंटिन्यू करने से पहले ना मैंने आप सबसे ना एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। असल में बात यह है कि मेरा चैनल न्यू है, ठीक है, तो मुझे ना बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आप सबकी। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे डेली रूटीन में ना आपको व्लॉग शेयर करूंगी। मेरी रोटी फट गई है, इतना बड़ा सुराग हो गया है, मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि वीडियो में मैंने जो है वो गोल रोटी बना के दिखानी है सबको, उतना ही वो मेरे साथ पंगा हो जाता है। अच्छा जब आटा जो है वो थोड़ा हार्ड होता है ना तब मैं जो है वो गोल रोटी बना लेती हूँ, और जब थोड़ा सा पतला रह जाता है ना तो वो नहीं, मेरे से सही नहीं बनती रोटी, कहीं से पट जाती है, कहीं से नीचे का लमक जाती है। क्योंकि आटा जो है वो मामा ने गूंदा था, जब मामा गूंदती है आटा तो वो थोड़ा पतला रह जाता है, तो वो फिर सही नहीं बनती। ये जो साइड पे है ना मेरी सिस्टर बना रही थी प्याज वाले अंडे, तो कोई सालन खाने का दिल कर रहा था, फिर मेरी सिस्टर अंडे बनाने लग पड़ी और मैं साथ में जो है रोटियां बना रही थी।
मैं ना काफी ज्यादा बार ट्राई कर रही हूँ कि सही रोटी जो है वो मैं बना लूँ और अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ कि मैं भी रोटी ना कोल बना लेती हूँ, लेकिन वो आज बन ही नहीं रही। पता नहीं क्यों नहीं बन रही, शायद मैंने आपको दिखाना है इसीलिए नहीं बन रही। तो ये साइड से फट गई है इतनी ज्यादा, ऐसे जैसे किसी ने आरे के साथ इसको काट दिया। खैर चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी सी और बनानी है रोटियां, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अगर बन जाए गोल मेरे से। ये दूसरी साइड पे मेरी सिस्टर लगी हुई है जोरों शोर से, लग तो बड़े मजे के रहे हैं, खैर खा के पता चलेगा। अच्छा ये वाली जो रोटी है ये बड़ी गोल बनी है, इसको मैं डालती हूँ, अल्लाह करे बस ना सही से तवे पे अब डाल लूं इसको। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बस ना अच्छे से डल जाए ये, मैं इसको डालने लगी हूँ बस बिस्मिल्लाह। ओ फिर से खराब हो गई है, मेरी किस्मत ही आज खराब है। चलो कोई नहीं, अब अगली बार सही। मैं वीडियो के चक्कर में पता नहीं कितनी रोटियां बना लिया मैंने। खैर ये ना बस लास्ट बार है, इसके बाद नहीं मैंने बनानी। पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं सही बन रही। बस अल्लाह जी एक बार ये मैं डाल लूं सही तरीके से, अल्लाह करे। ये ना इसकी कसर आई थी, बस साइड को ही सारी निकल गई है। खैर जैसे तैसे करके मैंने रोटियां बनाई ली है, अब मैं ना अपनी रोटी को मक्खन लगा रही हूँ। मुझे ना मक्खन के बगैर रोटी ना वो हलक से नीचे उतरती नहीं है, मुझे बड़ा मतलब होता है कि मैं सूखी रोटी कभी खाती, अगर होना ना मक्खन घर पे तो मैं खाती नहीं हूँ रोटी सूखी। अच्छा ये जो है मेरी सिस्टर ने बना लिया अंडे, अब मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी जो है वो भी सारे घर वाले रोटी खा रहे हैं, फिर मैं यहाँ पे मैं भी खाने लग पड़ी हूँ। ये जो मेरा भाई है ये सवैया खा रहा है, ये इसका अलग ही सिस्टम होता है। खैर अंडे तो बड़े मजे के बने, मैंने खा के देखे हैं। अच्छा ये रोटी खा के ना मैं साथ वाले रूम में आई थी, ये मेरा भाई और कजन बैठे हुए थे, दोनों चिपक के बैठे हुए हैं। मेरे भाई का ना ये है, जब भी कोई हमारे घर आता है ना हर किसी के साथ बड़ा फ्रैंक होता है। ये ना शाम को गंदम डालनी थी हमने, वाला जो ड्रम है ना उसके अंदर डालनी थी, तो काफी बड़ा था। तो जो मेरे कजन है उनके ना दोस्त भी आए हुए थे, मैंने अपने छोटे भाई को कहा ये लो टैब और जाके ना सबकी वीडियो बना के आओ। मेरे पापा मेरे कजन होते हैं ना, तो मैंने ही वीडियो बनानी थी, लेकिन वो फिर मेरे कजन के जो फ्रेंड है वो भी आ गए। वो ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं जाके सबकी वीडियो बनाती फिरूँ। फिर ये जो इतनी की वीडियो है ये मेरे भाई ने बनाई है, छोटे भाई ने, जो अक्सर मैं आपको दिखाती होती हूँ कि बना रहा था वीडियो, मैंने कहा अच्छी बना ली है वैसे तुमने वीडियो। वैसे ना वाकई इसने अच्छी वीडियो बना ली है, मेरा ख्याल है मैं इसे अपना चैनल दे देती हूँ कि तुम व्लॉगिंग कर लिया करो। ये भी जो है ये मेरी खाला का बेटा है, वो इसे देख के टाटा कर रहा है। लास्ट टाइम जब गंदम डालनी थी ना, तब मैंने और मेरी सिस्टर ने डाली थी, बड़ी मुश्किल से डाली थी। वहाँ पे सीढ़ियों पे वाले बोरे रखे सारे, फिर वहां से डाली मैंने और मेरी सिस्टर ने। ये फिर शाम को ना मेरे मामू मिलने आ गए थे, मामा से बातें कर रहे हैं खड़े होके, मैंने कहा मामू बैठ ही जाए। फिर मामू बैठ गए थे सोफे पे, फिर गप्पे छप्पे लगाई मामा के साथ मामू ने। अच्छा ये लोग बाद में जो गंदम डाल रहे थे ना उनको हमने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, गर्मी बड़ी है, थोड़ा सा भी काम कर ले तो इतनी गर्मी लगती है। शुक्र है ये ना हमने फ्रिज में बर्फ जमाई हुई थी, तो हमने वो कोल्ड ड्रिंक्स में डाल के ना दे दी। आज के लिए इतना ही काफी, अगर आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।